नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्षता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे लोया जिरगा, जो अफगानिस्तान की एक महासभा है उसके बारे में। अब ये जो टॉपिक है वो आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। आगे लेक्चर में बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कर ले, संसार DCA यानी संसार डेली करंट अफेयर्स, जिसमें आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं हिंदी में, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो अभी आपको मिल रहे हैं 499 रुपए में। वैसे तो इसका रेट 600 रुपए है, लेकिन लॉकडाउन के चलते हमने लोचन अकेडमी में इसका प्राइस 499 कर दिया है। तो जाइए जल्दी से इस सुविधा का लाभ उठाइए और संसार DCA खरीदिए। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और एक और चीज, हमने संसार अकेडमी में मेंस मंथन शुरू किया है, संसार मेंस मंथन। इस श्रृंखला में आपको मेंस के लिए जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो दिए जाएंगे और जिसके उत्तर आपको देने हैं, फिर हम वहां पे लोचन अकेडमी में इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं लोया जिरगा महासभा के बारे में। तो सबसे बड़ी बात कि ये न्यूज में क्यों आया ये लोया जिरगा महासभा, तो अभी हाल ही में ये जो 400 तालिबान कैदी हैं जो अफगानिस्तान के पास बंदी हैं, उनको रिहा करना है कि नहीं, इससे जो इस पे जो निर्णय लेना था उसी के तहत लोया जिरगा महासभा को बुलाया गया और ये एक 3 दिवसीय महासभा थी। अब क्या हुआ, ये जो तालिबान कैदियों को रिहा करना है, या जब तालिबान ने कहा था कि वो नागरिकों को और जो कैदी उनके पास है उनको रिहा करेगा, ये हुआ था एक समझौते के तहत जो फरवरी 2020 में हुई थी तालिबान तथा अमेरिकी सरकार के बीच और अमेरिका एवं अफगानिस्तान सरकार के बीच। इस समझौते के तहत ही अफगानिस्तान ने कहा था कि वो तालिबान कैदियों को रिहा कर देगा और तालिबान ने बोला था कि वो अफगानिस्तान कैदी और नागरिकों को रिहा कर देगा। और इस समझौते के बाद ही अमेरिका ने अपने 8,000 सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 400 तालिबान कैदियों को रिहा करने से मना कर दिया है। ठीक है, तो जब उन्होंने 400 तालिबान कैदियों को रिहा करने से मना कर दिया, और जो 10 अगस्त को अभी हाल ही में 10 अगस्त को जो अंतर अफगान वार्ता होनी थी वो विफल हो गई, उसके बाद तालिबान ने धमकी दी कि और अधिक खून खराबा हो सकता है, और इन्हीं सब के चलते ये लोया जिरगा महासभा बुलाई गई। अब ये जो लोया जिरगा महासभा है ना, इसका फैसला अफगानिस्तान में राष्ट्रपति और जितने भी नागरिक है वो मानते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये महासभा, इसीलिए ये महासभा बुलाई गई। ठीक है, अब क्यों इन्होंने मना कर दिया, या क्यों अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, वो क्यों नहीं चाहते कि जो तालिबान के साथ शांति है वो बनाए रखे। तो कुछ लोगों का मानना है कि अफगानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान के साथ शांति बनाए रखने के लिए जानबूझकर शांति वार्ता को टाल रहे हैं। अब वो ये शांति वार्ता टाल रहे थे क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वार्ता में तालिबान द्वारा एक तटस्थ अंतरिम सरकार की मांग की जा सकती है और जिसके चलते राष्ट्रपति अशरफ गनी को अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। तो अगर तालिबान ने एक तटस्थ अंतरिम सरकार की मांग कर ली तो उसके बाद अशरफ गनी को अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है, तो इसी के चलते वो तालिबान के साथ शांति बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था जिसकी वजह से ये लोया जिरगा महासभा बुलाई गई। अब ये क्या है ये लोया जिरगा महासभा, तो ये एक सामूहिक राष्ट्रीय महासभा है। ठीक है, जिसमें विभिन्न जाति धर्म और जनजाति समुदायों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये एक उच्च सम्मानित महासभा है जो दशकों पुरानी है। ठीक है, और इसमें परामर्श होता है। इस सभा में राष्ट्रीय संकट और राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है, और अफगानिस्तान संविधान के जो अफगान संविधान है उसके अनुसार लोया जिरगा को अफगान के लोग सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर अफगानिस्तान का हम संविधान देखें,
उसके अनुसार ये जो लोया जिरगा है उसको आधिकारिक निर्णय लेने की संस्था नहीं है, ये आधिकारिक निर्णय नहीं ले सकती है और ना ही इसका निर्णय कानूनी तौर पे बाध्यकारी है, लेकिन फिर भी जो इसका फैसला होता है वो राष्ट्रपति और अफगानिस्तान की संसद उन दोनों के लिए अंतरिम अंतिम रूप होता है, माने कि उन दोनों के लिए ये आखिरी फैसला माना जाता है। और इसीलिए क्योंकि ये लोया जिरगा महासभा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो तालिबान के कैदियों को रिहा करना है कि नहीं, इसके चलते भी ये लोया जिरगा महासभा बुलाई गई। अब ये जो अफगानिस्तान है वो भारत में, अफगानिस्तान में शांति वो भारत के हित में है। अब ऐसा क्यों है वो आपके पेपर के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अफगानिस्तान में स्थिरता बनाए रखने में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है, तो भारत ने उसके लिए बहुत ज्यादा काम किया है और काफी संसाधन भी किए हैं। जैसे जो अफगान संसद है उस वो बनाया है भारत ने, फिर वो अफगान संसद है काबुल में, फिर है जारांज दिलाराम है जो 218 किलोमीटर के जो रास्ता है, जो राजमार्ग है वो बनाया है भारत ने, फिर अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध जो है, जो सलमा बांध है वो बनाया है भारत ने हेरत में, तो इत्यादि और कई भारत ने काम किए हैं अफगानिस्तान के निर्माण के लिए। और अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार का भारत द्वारा समर्थन किया जाता है, जिसे भारत पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक तौर पर देखता है। तो भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती काफी अच्छी है और अफगानिस्तान मध्य एशिया में प्रवेश का द्वार है भारत के लिए, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो तालिबान की बढ़ी हुई राजनीतिक सैन्य भूमिका एवं उसके क्षेत्रीय निर्णय का विस्तार, नियंत्रण का विस्तार भारत के लिए चिंता का विषय है, इसलिए भारत चाहता है कि ये जो तालिबान है उसको किसी तरह रोक दिया जाए। और अमेरिकी सैनिकों की भी वापसी हो गई है, जिससे लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे विभिन्न भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों का विकास हो सकता है, इसलिए भारत चाहता है कि ये जो समझौता है जो अफगानिस्तान तालिबान के बीच में है वो जितनी जल्दी हो सके वो सही हो जाए, क्योंकि वो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अफगानिस्तान में शांति वो भारत के हित में है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान के निर्माण के लिए वो बहुत कुछ कर चुका है। ठीक है, तो ये था पूरा लोया जिरगा महासभा के बारे में और क्यों अफगानिस्तान में शांति भारत के हित में है। ठीक है, तो ये था पूरा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करें संसार लोचन को और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।